तो भाई ये रहा प्रीमियर फिटनेस, ठीक है। तो अब हम आपको आगे लेके चलते हैं और ऊपर भी चलते हैं, फिर आपको सब चीजें बताएंगे, दिखाएंगे और इस जिम के बारे में सब चीज समझाएंगे, ठीक है भाई। ये एंट्रेंस है इस जिम का, तो आओ हम आपको लेके चलते हैं। तो जब तक मेरे तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, फिर आप चलते हैं। तो भाई हम पहुंच गए अली के ऑफिस, और ऑफिस में आप चल के देखते हैं। यार मुझे तो यही अली लग रहा है। खैर हम चल के देखते हैं। तो सर हम अंदर आ सकते हैं? ठीक है जी। तो सर हम अली से मिलना चाह रहे हैं। अली आप हैं? सर बहुत खुशी है आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। तो हम आपसे थोड़ा सा, मैंने बड़ी तारीफें सुनी ना, ये प्रीमियर फिटनेस में बड़ा इस तरह बनाया जा रहा है और नेचुरल। थैंक यू सो मच। तो भाई हम बैठ गए, तो भाई हम पहुंच गए अली भाई के पास। तो अली भाई से हम आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे और इनके जिम के बारे में बताएंगे और इनकी जिम की जितनी फैसिलिटीज है सब आपको चीज दिखाएंगे और हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो अली भाई आप अपने जिम के बारे में मुझे कुछ समझाएंगे, क्योंकि मैं आपसे जिम ज्वाइन करना चाह रहा हूँ आपका ना। तो मुझे नहीं पता आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज हैं, आप किस तरह जिम कराते हैं, लेकिन मैंने सुना आप नेचुरल पे करवा रहे हैं। तो मैंने जब नेचुरल पे एक बंदा करवा रहा है तो उसके पास जाना चाहिए, तो आप हमें गाइड करें सर, हमें क्या करना है और कैसा करना है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे पास कंप्लीट जिम की फैसिलिटीज़ है, ठीक है। और हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम करते हैं और हम लोग नेचुरल पे तैयारी कराते हैं, ठीक है। थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, 6-7 महीने का प्रोसेस होता है, लेकिन हम कराते हैं नेचुरल के ऊपर। अच्छा, हमारे पास एक 2 फ्लोर हैं, एक हमारा ये जिम फ्लोर है और ऊपर हमारे पास कार्डियो फ्लोर है। हाँ, ऊपर कार्डियो फ्लोर भी बिल्कुल करा सकते हैं। तो भाई अली सीन ऐसा है कि देखो मेरी निकल गई अभी टमी, तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले हम कार्डियो को विजिट करें, ठीक है। और अभी मुझे लग रहा है माशाल्लाह आपके पास बहुत ज्यादा क्लाइंट है और बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है रश हो रहा है ना, तो पहले हम कार्डियो को विजिट करते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम इसको नीचे करते हैं। चलो तो फिर अंदर चलते हैं, इसका इंशाल्लाह विजिट करते हैं। और वाह भाई वाह, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। तो हम आपको इसका पूरा विजिट करवाते हैं। यार इसकी लाइट्स तो बड़ी प्यारी हैं। तो अली अली आप ये बताना पसंद करेंगे, लाइट्स आपने ये वैसे ही शौकिया करी हुई या इसकी लाइट्स होती ऐसी हैं? यार ये शौकिया लाइट्स हैं, मैं ऑन कर देता हूँ। अच्छा आप लाइट्स ऑन करें ताकि हम सबको दिखा सकें और सबको बता सकें। तो अली हम पहुँच गए आपके गाड़ी वाले पोर्शन में। तो अब पहले तो आप ये बताएं कि आपको कैसा लगा। अली मैं आपको क्या बताऊं कि आपने 3-2-1 पिल्ले वाला काम कर दिया है माशाल्लाह। कोई इतना कोई खूबसूरत और इतना, यार यहाँ जो आएगा ना उसका दिल ही नहीं करेगा बाहर निकलने। भाई ये बताऊं यहाँ पे अपनी एक मेरा दोस्त है, वो अपनी बच्ची को ला सकता है यार, लेकिन उसकी जो बच्ची है उसकी उम्र 5 साल है। अरे बहुत छोटी है। अच्छा ठीक है भाई, जब उसकी बच्ची बड़ी होगी फिर मैं उसको बोलूंगा अपनी बच्ची को लेकर, बाकी कवर्स वगैरह आ सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप ये मुझे बताएंगे आपको जिम है ये वो है? हाँ कम्बाइंड जिम है, 5 बजे लेकर रात 1 बजे तक कम्बाइंड। और गर्ल्स की टाइमिंग क्या है? सुबह 10 से शाम 5 बजे की जो है गर्ल्स की टाइमिंग। अच्छा जो सेपरेटी करना चाहे उनके लिए सुबह 10 से लेकर 5 बजे, ठीक है। अच्छा तो अली आप मुझे बताइए मशीन वगैरह किसकी है और आप ये कैसे करूँ? मैं आपको बताऊँ की ठीक है, बाकी कुछ कार्डियो हमारा वहाँ रखा हुआ है, ठीक है। और इधर बेसिकली हम जो है सिर्फ वेट लॉस करवाते हैं इस एरिया पे, ठीक है। और ट्रेडमिल अभी यूज करवाते हैं, वार्म अप के लिए यूज करवाते हैं, इलेक्ट्रिकल भी हम वार्म अप के लिए। आज तक पैदल ही चला हूँ, मशीनों पे मैं कभी नहीं चला हूँ। तो अच्छा जी, तो इसका सीन ये अली भाई आप अभी तक चल रहे हैं, अभी तक आप एक ही जगह पे क्यों, आप आगे क्यों नहीं बढ़े? अच्छा जी, तो भाई मैं इसका जवाब देता चलूं क्योंकि हम मशीन पे चल रहे हैं। ये हमारी इलेक्ट्रिकल है, ये आपको पता था। अच्छा जी, इसके बारे में समझाइए कुछ। अच्छा जी वाह यार, ये मशीन तो बड़ी प्यारी है, इसको तो मतलब करने में बड़ा मजा आएगा, इसको जिम सक्सेस करने में। लेकिन मुझे इसमें लग रहा है कुछ हार्ड वर्क भी होगा तभी जाके डमी होगी है कम होगी। अच्छा जी ठीक है जी। अच्छा ये सर ये जो है ना हम पुश कर डेड पुश कहलाते हैं, ये हमारे पास कार्डियो पे काम आती है, ठीक है।
गाड़ियों पे काम आते हैं। अच्छा, उसके बाद कोई सीन आप मुझे बताना पसंद करेंगे? या मैं फीस दूंगा तब आप मुझे बताएंगे? मेरे ख्याल से तो फीस देंगे तभी ज्यादा हो जाएगा। चले ठीक है जी, थोड़ा एक विजिट क्या करवा दो, क्या इनके पास इक्विपमेंट है, क्या क्या इनके पास सामान है, या फिर म्यूजिक का भी खास इंतजाम है? म्यूजिक का बिल्कुल बिल्कुल, म्यूजिक का तो बहुत खास। अच्छा जी, ठीक हो गया भाई। तो आपके पास क्या, वो आपके पास देखें, एक इनके पास भाई के पास टायर है, अरे इसको क्या कहते हैं, मेटल लॉक भी है, और इसके बाद मैट भी है, जो बॉल्स भी है। तकरीबन मुझे सारा जो है सामान आपके पास नजर आ रहा है जो होता है। बाकी मैं इंशाल्लाह जब आपके पास दोबारा जिम करने आऊंगा, जब आपके पास एडमिशन लूंगा, तो फिर मैं आपसे दोबारा जिम ये पता है ना आपको सुना, मुझे मैंने बड़ी तारीफ सुनी, मैंने ट्रीटमेंट प्रोटीन दिए और बड़े नेचुरल में बना रहे। जब नेचुरल में बना रहे थे मेरा, मैं तो डोज वगैरह कुछ नहीं लगा सकता और ना मैं इसमें, तो मैंने सोचा फिर मैं क्यों ना अली के जिम में जाऊँ। तो फिर आपका जिम तो मुझे इजीली मिल गया, बिल्कुल पावर हाउस के बिल्कुल नियरेस्ट है, और नीचे मैं खाली आई थिंक पंजाब बैंक था, बैंक ऑफ पंजाब नीचे बैंक है। और मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपकी आपकी जो बॉडी कंडीशन है, आप मेरे पास आएँ, अपना ज़रा डमी वगैरह कम करें, फिर इंशाल्लाह बॉडी के ऊपर काम करें। तो आप जब आएंगे मेरे पास, फिर इंशाल्लाह आपको कार्डियो स्टार्ट करें। आप मुझे ये बताएंगे आप नीचे का विजिट अभी करवाएंगे भाई? अब आप लोगों के लिए मैं देखो इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, अब आप मुझे बताएं। देखिए नीचे का विजिट मेरे ख्याल से भी बेहतर नहीं होगा। हाँ इंशाल्लाह ये कि जब हम आपको टेस्ट करवाएंगे, हम सब नीचे का विजिट करेंगे ताकि हम उनको अपनी ऑडियंस को प्रॉपर समझा सकें। ठीक है, ठीक हो गया। तो फिर इंशाल्लाह भाई हमारे व्यूवर्स आए, और खैर इंशाल्लाह जब मैंने एडमिशन ले लिया तो फिर आपका भी एडमिशन होना बनता है यहाँ पे। जो कराची के लोग हैं उनके लिए कह रहा हूँ, तो फीमेल हो या मेल हो, सब यहाँ पे आए, आपको पूरा एड्रेस देंगे, आपको नंबर देंगे, कॉन्टेक्ट नंबर होगा, तो पूरे तो पेज वगैरह का लिंक मिला। फेसबुक पेज भी है हमारा gymandfitness.official के नाम से, और यही नाम हमारा इंस्टाग्राम का भी है gymandfitness.official। अली यार मैंने पूरा नॉर्थ विजिट किया, पूरा नॉर्थ विजिट किया, मैं आपको बी सीरियस बता रहा हूँ, लेकिन मैंने जो आपको तो जिम विजिट किया ना, मैं यकीन करो मैं आपको बता नहीं सकता, कि मैंने ऐसा जिम मैंने कहीं देखा ही नहीं। बट मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैंने वो पूरा नॉर्थ विजिट किया, लेकिन मैंने ना तो ऐसा जिम देखा। और यहाँ पे अली आप मुझे बताओ, यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम और जो फैमिलीज आना चाहती हैं उनको कोई इश्यूज वगैरह जो आते हैं, मतलब फैमिली से गर्ल्स के साथ इश्यूज आते हैं, वो कोई इश्यू हो सकते हैं नहीं? अच्छा पहले तो मैं आपको पहले सवाल का जवाब देता हूँ। असल में यार मैं बहुत पैशनेट हूँ बॉडी बिल्डिंग को, और मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट जब मेरे पास आए तो वो बहुत सिक्योर हो, क्योंकि चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल, ठीक है। मेरे पास फीमेल्स आपकी आती हैं अलग दो टाइमिंग में भी आती हैं, जो हमारी वर्किंग वूमेन है वो आती हैं हमारे पास, डायरेक्ट जॉब से भी आती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सेफ इन्वायरमेंट है, कैमरा सिस्टम लगे हुए हैं यहाँ पे, मेरे पास दो गार्ड्स हैं यहाँ पे, जो ऊपर एक मेन पे नीचे मेरे पास मेन का गेट पर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मेरे पास ऐसा कोई इशू नहीं है, और इंशाल्लाह आगे भी नहीं आएगा, तो बिल्कुल सेफ होकर आ सकती हैं। ये वाला एरिया बेसिकली बना ही मेरे पास कार्डियो एरिया बना हुआ है, ताकि गर्ल्स ज़्यादातर मेरे पास कार्डियो करें। तो आप लोगों से यही है कि आप लोग आएँ जिम विजिट करें पहले, और जिम देखें, इंशाल्लाह मुझे पता है कि आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आप एडमिशन लेंगे। तो भाई हम लोग यहाँ पे आए थे, तो हमने अली के जिम में बड़ा विजिट किया हमारा, माशाल्लाह अली ने। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो मैं आपसे बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले मैं भाई से बात करके देखूं। अली भाई ने तो बड़ी तारीफों के फूल बांधे, लेकिन मैं पहले चेक करूं इनके जो क्लाइंट्स हैं वो अली उनको किस तरह डील कर रहे हैं, या इनको किस तरह की फैसिलिटीज मिल रही हैं। तो सर आप बताना पसंद करेंगे कि आप जिम यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको किसी किस्म की कोई टेंशन, कोई परेशानी, किसी या लाइट्स में कोई ऑफ होना है, लाइट जाना, या जिम में कोई सामान का कोई ऐसे कोई सिस्टम है, कोई परेशानी हो तो मुझे बताएं। नहीं भाई, मेरे हिसाब से तो बेस्ट जिम है। अच्छा, ये फैमिली वाइज बहुत अच्छा जिम है। अच्छा, हम लोग किस तरह करते हैं साथ में, यहाँ पे सेपरेट टाइमिंग भी है और को टाइमिंग भी है, तो को टाइमिंग में भी साथ हम लोग लेडीज जेंट्स साथ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। जब फैमिली हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा मज़ा आता है एक्सरसाइज में। और इसके अलावा यहाँ पे इंस्ट्रक्टर जो है वो एक तो टारगेट ट्रेनिंग कराते हैं, प्लस उसके अलावा बेसिक में भी जो मैंने ये सुना है, मैंने पूरा नॉर्थ विजिट किया है, लेकिन नेचुरल पे कोई नहीं करवाता। तो मैंने जब मतलब मैंने सर्च किया फेसबुक पे, तो अली के जब पेज मिला, मैंने पेज सारे विजिट करके मैं अली से कॉन्टेक्ट हुआ, तो मैंने अली से पूछा आप नेचुरल पे करवा रहे हो रियली? तो अली ने मुझे बताया, अली ने मुझे दो चार लड़के दिखाए कि नेचुरल पे तैयार है, तो फिर मैं अली के पास एडमिशन लेने आया। फिर मेरी फैमिलीज भी यहाँ पे आना चाह रही है जो फीमेल है, तो मैं आपसे इस वजह से फीडबैक मांग रहा हूँ कि यहाँ पे जो है कोई किसी तरह के कोई इशूज नहीं, बिल्कुल ईजिली बिल्कुल रिलैक्स भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, तो आप ईजिली आके। और दूसरा आपने स्टाफ की बात की,
तो यहाँ पे बिल्कुल मैं खुद यहाँ पे एक्सरसाइज करने आया था सुबह माइंड में, या प्रीवियस थोड़े आगे पीछे दो तीन जिम है वहाँ पे, तो अब मैं तकरीबन वहाँ पे जब डेमो लेने गया तो डेमो में उन्होंने कह दिया कि मैं पैसे बॉडी नहीं बना सकते वैक्सीन वहाँ पे, मैं वहाँ से भागी गया। सीधी बात है कि भाई सबसे और इससे दूर जाना। तो मैं जब यहाँ पर आया तो अली से मेरी मुलाकात हुई, तो उसने मुझे पहले शुरू में एक हफ्ते में डेमो दिया, उसके बाद मेरा एडमिशन हो गया था, एडमिशन डेमो में चलता रहा। बेसिक ट्रेनिंग से भाई आपके सामने हो तकरीबन 4 महीने हो गए माशाल्लाह, बड़े डोले शोले बना लिए आपने तो माशाल्लाह। आपको कितना टाइम हो जिम करते हुए? 4 महीने कम्प्लीट हो गए और टोटल मैं अली कंट्री में था। टोटल उसने मुझे पूरी एक डाइट प्लान बना के दिया हुआ था, और अगर मैक्सिमम बताता हूँ तो मेरा जो मंथली एक्सपेंस बढ़ रहा है ना वो मेरी 10,000 अराउंड बढ़ रहा है, जिसमें मेरा सारा वो डाइट प्लान जितना ही मेरा हो जाता है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है और अच्छा डाइट है। थैंक यू सो मच सर, आपने कि भाई आए और पर्सनली अली से ट्रेनिंग लें, मैं सबको रिकमेंड करूँगा। मैं जब आया था तो भाई मेरा बहुत बुरा हाल था, अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा हाल है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। करना मत भूलिए।